नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति अग्निहोत्री। आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम यूपी स्पेशल में। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्राओं की जनसभाओं को इन दिनों नरेंद्र मोदी सरकार के और बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता संबोधित कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य भी 2 दिसंबर को जनपद आजमगढ़ और इलाहाबाद की जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पार्टी के प्रवक्ता ने बताया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य 2 दिसंबर को लखनऊ से हेलीकॉप्टर द्वारा आजमगढ़ पहुंचकर सुबह 11 बजे अतरौलिया स्थित पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज मैदान पर जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रवक्ता ने बताया कि मौर्य दोपहर 1 बजे इलाहाबाद के सोराव में परिवर्तन यात्रा की स्वागत सभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके बाद वह दोपहर 1:50 पर इलाहाबाद में ही फाफामऊ में परिवर्तन जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने बुधवार को कहा कि SP BSP की लचर कानून व्यवस्था ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आतंक का गढ़ बना दिया है। यूपी के कौशाम्बी जिले में एक खेत में पौधे की 2 पत्तियां तोड़ लेने पर दबंगों ने एक दलित लड़की को ऐसी सजा दी जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आरोप है कि दबंगों ने 2 पत्तियां तोड़ने के बदले दलित लड़की के दाहिने हाथ की 2 उंगलियां काट डाले। हालांकि पीड़ित लड़की की हालत देखने के बाद गांव के लोगों ने उंगलियां काटने के आरोपी दबंग की जमकर पिटाई की। पीड़ित लड़की की शिकायत पर कौशाम्बी पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें भी बनाई गई हैं। मामूली सी गलती पर 13 साल की दलित लड़की सुशीला के साथ हैवानियत करने का यह सनसनीखेज मामला यूपी के कौशाम्बी जिले के सराय आकिल इलाके के पुरखास गांव का है। जानकारी कर अपने परिवार का पेट दलित समुदाय के संगम लाल की 13 साल की बेटी सुशीला अपने जानवरों के काटने गई थी। सुशीला गई थी उसी से पर गांव के ही के फारूक का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योग देव के नोएडा में बने पतंजलि फूड एवं शिलान्यास किया। मंत्री ने कहा कि पतंजलि योगपीठ काम से दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। लखनऊ स्थित लोक भवन में एक समारोह के दौरान अखिलेश ने कहा कि पतंजलि के माध्यम से एक बड़ा काम नोएडा में होने जा रहा है और इससे लोगों को काफी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादियों ने पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क का शिलान्यास कर बड़ा काम किया है। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने एक अच्छी पहल की जिसका सरकार ने साथ दिया। उन्होंने कहा, बाबा रामदेव जब योग लेकर आए थे तब योग की सबसे अधिक जरूरत थी। उन्होंने एक अलग पहचान बनाई है। अखिलेश ने कहा, समाजवादियों की पहचान है कि जो भी काम हाथ में लेते हैं वह काफी तेजी से करते हैं। फूड पार्क का भी काफी तेजी से होगा और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ मेट्रो के ट्रायल रन का शुभारंभ किया। इस दौरान अखिलेश ने नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करके पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ही रोक दी। तो वहीं BSP सुप्रीमो मायावती ने मेट्रो के ट्रायल को लेकर यूपी सरकार पर करारा हमला बोला। मायावती ने कहा कि लखनऊ मेट्रो का ट्रायल रन जल्दबाजी में हुआ है। आपको बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ में पहली बार मेट्रो चलने वाली है। मेट्रो के पहले फेज का ट्रायल रन शुरू किया गया है। खबरों के मुताबिक फरवरी के अंत या मार्च से आम लोग भी सफर कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को लखनऊ मेट्रो के ट्रायल रन का शुभारंभ किया। अब वक्त हो चला